अब ये एक ऐसी डिबेट है जो आप सारे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और किसी की आंख से ये बात ओझल नहीं है ना छुपी हुई हो। यानी कितने अफसोस की बात है कि नवाज शरीफ जो एक मफरूर, एक मुजरिम, एक मुलजिम, पिछले 3 साल से इंग्लैंड में बैठा हुआ स्टेटमेंट दे रहा है। वो स्टेटमेंट ये दे रहा है कि जो मेरी मर्जी के मुताबिक अगर एक डिसीजन नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का तो मैं इसको नहीं कबूल करूंगा। वो कोई शर्म करो, तुम तो वैसे ही मफरूर हो, वैसे ही मुलजिम हो, वहां बैठ के इतनी बड़ी स्टेटमेंट तुमने दे दी अपनी अदलिया के बारे में, लेकिन इससे कैसे अच्छी की उम्मीद रख सकता इंसान। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 97 के अंदर हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट पे। इनसे कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आइन की पासदारी करेंगे या कानून की कोई पासदारी करेंगे। अहम बात यह है मर्जी के मुताबिक ये कहते हैं कि काम चले हमारा। मैं तो ये आखिर में, ये तो बात है अपनी भाई, तुम इतने वो कहते मुझे कौन क्या कहते हैं, मैं एक इनोसेंट आदमी, मुझे मैं बेचारा जो था मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया। मैं तो आपसे एक सीधा सवाल पूछने लगी हूँ और अब उसका जवाब दे दीजिएगा। मेरा ख्याल है 98 में, 1998 में मॉडल टाउन के घर में आप रहते थे ना, जवाब ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आप जहाँ रहते हैं वो भी देखा, मॉडल टाउन वाला घर भी हमने देखा, आप सारों ने भी देखा हुआ है। अब जाटी उमरा भी आपने, पता नहीं आपको मौका मिला या नहीं देखा, वो देख लीजिएगा ज़रूर। और एवन फील्ड अपार्टमेंट भी देख। तो सवाल तो सादा था, आप मनी ट्रेल दे दें बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये काम जो है तब होते हैं जब इंसान कानून की पासदारी करता है और आइन की पासदारी करता है। पिछले अप्रैल आज से 1 साल पहले सो मोटो एक्शन हुआ, 3 बंदों की बेंच बैठी, रात को कोर्ट खुले, 5 बंदों की बेंच, रात को कोर्ट खुली और हमारी हुकूमत जो है उसको हटा दिया गया। ये हुआ है ना, वो तब तो ये मरियम वो क्या कहते हैं औरंगजेब लुढ़िया मार रही थी कि कमाल हो गया, कमाल हो गया। आज अगर वही बेंच बैठी हुई है, वही लोग हैं, अगर आज वो कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी कर रहे हैं, आज वो आइन की पासदारी कर रहे हैं, आज वो आइन की तशरीह कर रहे हैं, वो हम मांग क्या रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम्हारी हुकूमत को तार दे। हम तो ये कह रहे हैं जहां दो हमारी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं जिनको हमने खुद तहलील किया है, आप मेहरबानी करके 90 दिन का था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दीजिए। लेकिन आप लोगों को पता कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं बात। वो इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि उनको पता है कि वो बुरी तरह हारेंगे। रुकावटें डाल दी थी ना इन्होंने लाहौर के जलसे में, आप सारों ने कंटेनर देखे थे, फिर लोग भी देखे थे। तो लोग को आसमान से थोड़ी उतरते हैं, लोग तो आ जाते हैं घरों से बाहर। इलेक्शनों में भी आप जितनी मर्जी रुकावटें डालेंगे लोग आ जाएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे और आप हार के घर चले जाएंगे। ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं। आज जो इस इंटरिम गवर्नमेंट ने जितना जुल्म किया, जो ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं थी, मियाँ साहब की मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ये हमारी लीगल कमेटी के इंचार्ज हैं और इन्होंने मुसलसल उन सारों की पैरवाई की जिन बेगुनाहों को उठा उठा के जेलों में डाला गया और उनको वहाँ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन वहाँ रखा गया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको सरा उसकी सारी डिटेल बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रही थी, ये पिछले जब से ये सिलसिला चला है असेंबली के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाब, पुलिस ने जिस बेईमाना तरीके से वहशत व बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया और उसमें हमारे 341 वर्कर्स जो हैं उनको रातों को घरों में घुस के दरवाज़े तोड़ के, अगर कोई ख़ुद नहीं मिला तो किसी के बाप को, किसी के बेटे को उठा के ले गए। और हद तो ये है कि वो ऐसे अफराद जो पीटीआई को मुख्तलिफ मौके के ऊपर, जिन्होंने फूड सप्लाई किया, कैटरिंग की, कैटरिंग का सामान दिया, कुर्सियाँ दी, उनको और उनके अहले खानों को भी उठा के ले गए, उनके बच्चों को। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है इस सारी एक्सरसाइज का। और एक बड़ा जुल्म उन्होंने ये किया कि हमारे सैकड़ों नौजवानों को शिनाख्त परेड डिले करने के लिए
किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, किसी को 14 दिन कोल लखपत जेल के अंदर वहाँ ठोंसे रखा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो वकला की टीम है उन्होंने भरपूर कोशिश करके वो शनाख्त परेड जो है वो मुकम्मल करवाई, और उसमें हमारा कोई वर्कर जो है वो इस तरह से शनाख्त नहीं हो सका। हमारे चंद वर्कर्स के ऊपर जो इन्होंने क्लाशनकोफ़ और बोतल बम डाले थे उनकी हम हाई कोर्ट के अंदर उनका अप्लाई किया हुआ बेल, जो नेक्स्ट वीक में हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से उन्हें ये बेल मिल जाएगी। अब ये जिस दिन जलसा था, जलसे वाले दिन और रात को 2800 लोग सेंट्रल पंजाब से, तकरीबन 2000 लोग लाहौर से, 800 लोग हमारे लाहौर के गिरदोनवा के जो अजला हैं वहाँ से रातों को उठाए गए, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 1 दिन, मुख्तलिफ थानों में मबहूस रखा गया, अगवा किया गया, कोई उनकी FIR नहीं काटी गई, और फिर हमारे वकला ने वहाँ पर विज़िट करके और वहाँ काम से बात करके प्रेशर डाल के हमने 8-10 रिटें भी हाई कोर्ट में जो है वो की, जिसके नतीजे में हमारे वो वर्कर्स जो है ना रिहा हुए। अब भी पुलिस का ये छापों का सिलसिला जो है ये जारी है। मैं इन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको कहना चाहता हूँ कि ये उसका मैंडेट नहीं है, उनका मैंडेट 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना था, और ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब अभी फरमा रही थी, अगर मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ एंड कंपनी और PDM का भानमती का कुंबा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को अनडू करने की कोशिश की, उस पर अमल दरामद ना किया, तो वो याद रखे कि पाकिस्तान की तारीख की एक इतनी बड़ी मैस मूवमेंट शुरू होने जा रही है, हेडेड बाय वकला, और वह हरावल दस्ता होंगे इस तहरीक का, और पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा जो है इस तहरीक का दस्तोबाजू बनेगा, और उस वक्त तक पूरी कौम चैन से नहीं बैठेगी जब तक के वो अपने इस आईनी हक को वसूल नहीं कर लेते। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ आपको कि इनका ये ख्याल है कि हमें डरा धमका। अब मैं जैसे आजकल आपको पता है दहशतगर्दी अदालत में जाती हूँ ना, मैं तब सबसे बड़ा असल लगता है दहशतगर्द मैं ही हूँ, और इसी तरह से हम बहुत सारे दहशतगर्द हैं जिनको रोज़ाना अदालतों में जाना पड़ता है। GIT बनाई गई, जिन्होंने ऑपरेशन किया उन्हीं की GIT बन गई, यानी जिन्होंने जुल्म सितम किया उन्हीं की GIT बना के उन्हीं को कहा कि जी हमारी पूछ कुछ करें, वो अपनी जगह है, वो तो हम करेंगे करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि तहरीके इंसाफ एक पुरअमन जमात है, वो कभी तशद्दुद में नहीं यकीन करती, वो कभी तशद्दुद में इसलिए नहीं यकीन करती, वो कोशिश कर रही है कि हम आयन की पासदारी करते हुए आयन को मजरू न होने दें। और चीफ जस्टिस ने जब ये बात कही थी ना कि आज आयन ने दस्तक दी है मेरे दरवाजे पे, आयन जो इस वक्त पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंसाफ मांग रही है, वो कह रही है तशरीह करो मुझे और देखो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, हम तैयारी कर रहे हैं। वो मरियम बीबी जो है ना, वो जो तकरीर देती हैं हम तैयार हैं हम तैयार हैं, और तुम खाक मट्टी तैयार हो, तुम्हें क्या पता। यानी इलेक्शन अनाउंस हो गया, कागज़ जमा हो गए, स्क्रूटनी हो गई, सारे कुछ होने के बाद आपने इलेक्शन पोस्टपोन करवा दी, और आप कहते हैं आप तैयार हैं। तैयार तो हम हैं, आज यहाँ सारे लोग जो इस महफिल के अंदर बैठे हुए पीछे, ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं 36 अजला के, जो पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनकी तैयारी करवा रहे हैं। ये मैं इनको सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि नून लीग वालों तैयारी कर लो, इलेक्शन तो लड़नी पड़नी है, आज नहीं लड़ोगे तो कल लड़ोगे, लड़ोगे तो सही ना इलेक्शन। तुम्हारी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी मुकम्मल तौर है, डोर टू डोर हो रहा है, आपको पता है रैलीज हमारी हो रही हैं, आपको ये पता है कि हमारी सारी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, इसलिए इलेक्शन तो होना है। वो तुम अपना वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये तो आनी है कुर्बानी की ईद, तो आनी आनी है, देखना पड़ेगा कि क्या होगा। इसलिए मेहरबानी करके आप ये करिए कि ये वक्त मुल्क के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, आपकी मईशत तबाह हुई भी है, इस वक्त हालात ख़राब से ख़राब तर हो चुके हैं, लोग एक वक्त की रोटी को तरसे में हैं, आपने हर किस्म की वो कहते हैं कानून जो है उसकी धज्जियाँ उधेड़ दी, जिस तरह पुलिस वालों ने पिछले दिनों जुल्म जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया किया है, और उसके बाद आज आप सारे खड़े हो के और
ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई सवाल जवाब? जी जी, बताइएगा कि आप लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और ये मैंने अभी उनको ऑलरेडी JIT के सामने अपने वकील मेरे जा चुके हैं, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन रात 3:30 बजे, यानी मैं इस बात की मुबालगा नहीं करती, वैसे हम अपने आप को समझते थे कि हम शरीफ लोग हैं, तो रात 3:30 बजे शायद पुलिस दरवाज़ा ना खटखटाए, रात 3:30 बजे पुलिस ने आके दरवाज़ा खटखटा के समन दिया। अब आप बताइए कि जब आप जवाब तैयार करते हैं तो वक्त लगता है ना जवाब तैयार होने में। आप एक JIT में बुला रहे हैं मुझे, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, तो मैं तैयारी करूँगी। आप रात 3:30 बजे 3:30-4 बजे आके हमें जगा के और हमारे हाथों में समन दे रहे हैं। हमने वकीलों से बात की, मेरे वकील सबके वकील जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं और उन्होंने जाके ये उनसे ली है एग्जम्पशन कि जी हम तैयारी करके आपके पास आएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज आपने नवाज शरीफ को मफरूर का आप बहुत एक शख्सियत हैं जो बता सकती हैं कि नवाज शरीफ बीमार थे या वो जानबूझकर ऐसे कर रहे थे, उनकी रिपोर्टें जाली तैयार होती थी, वो इनके कहने पे होती थी या उस वक्त वो वाकई बीमार थे? लेकिन जी बीमारी भी 2-3 किस्म की होती है। एक सेकेंड, बीमारी भी 2-3 किस्म। उन्होंने बड़े ज़रूरी बात पूछी है कि क्या बीमार होते। एक तो वो बीमारी है जो लाइलाज है, एक वो बीमारी होती है जिसका इलाज हो। वो हमारे पास जब अस्पताल में आए, डायग्नोसिस उनकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परफरा उनकी डायग्नोसिस थी। डायग्नोसिस ये थी कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो प्रॉपरली बन नहीं रहे और ये किसी में किसी वक्त भी हो सकता है, इट्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इलाज उसका मौजूद था, हमने इमीडिएटली उनका इलाज शुरू कर दिया। सारे टेस्ट करने के बाद ये डायग्नोसिस करवाई, मैंने हीमाटोलॉजिस्ट कराची से बुलवाया, उनका इलाज शुरू कर दिया। उनकी 14 दिन में रिकवरी हो गई, जिस बीमारी के लिए वो हमारे पास आए थे उसमें 14 दिन में रिकवरी हो गई। घर वो जब अपने अस्पताल में जाना उन्होंने पसंद फरमाया तो उनका प्लेटलेट काउंट 70,000 हो चुका था। उनके क्योंकि वो क्रॉनिकली बीमार हैं, दिल के मरीज़ हैं, जिस तरह उनकी बेटी कहती है उनके दिल के ऊपर बहुत बेचारों का बोझ पड़ता रहता है और वो उस बोझ की वजह से मुसलसल दिल की तकलीफ से गुजरते हैं। 2 दफ़ा उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। वो अपना ऑपरेशन के बाद वहाँ आपको पता है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर भी उनका वहाँ ऑपरेशन हुआ। हमने उनकी सारा कार्डियक स्टेटस भी इन्वेस्टिगेट किया। उनको कार्डियक कैथेटराइजेशन की ज़रूरत थी कि उनकी एक करोटिड जो थी उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा कम था। उनसे मैंने खुद पर्सनली पूछा कि हम ये आपके लिए जो भी आप करवाना चाहते हैं या हो जाएगा, बाहर से मालिज बुलाना चाहते हैं तो वो भी बुला लेंगे, लेकिन उनका इरादा इसलिए नहीं था कि वो तो भागना चाह रहे थे यहाँ से। अब मैं उनके दिल में तो घुस के नहीं देख सकती थी ना कि उनका क्या इरादा था, मुझे क्या पता था कि वो, मैं तो एज अ डॉक्टर एंड एज समबडी जो मतलब हमदर्दी के तौर पर इंसानी। और खान साहब ने, मैं ये भी बता दूँ आपको, मैं जब हॉस्पिटल में गई हूँ तो खान साहब ने मुझे ये मैसेज दे के दिया कि आप उनसे कहें इलाज के बारे में कोई हम रुकावट नहीं डालें, आप बताइए, किसी को बाहर से बुलाना है तो हम बाहर से बुलाएंगे। और ये बात मैंने जाके मैसेज दिया आपके सामने उस मिले। उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी, वो जब गए हैं वो इस बात पे कह के गए कि मेरे दिल की तकलीफ जो है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हो सकता है। इसलिए हमने कहा आप चले जाइए, कैबिनेट ने इजाज़त दे दी, हमने कहा आप चले जाइए, कैबिनेट ने इजाज़त दे दी, लेकिन मेहरबानी करके रिपोर्टें साथ भेजते रहिएगा ताकि हमें पता चल जाए। मैंने पर्सनली उनके फिजिशियन को 2 दफ़ा फ़ोन किया कि उनको कहें इनकार करें सारी बातों को। मैंने उनको दिसंबर में फ़ोन किया, मैंने कहा भैया कुछ तो भेजो अगर तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए, उसने वो पुरानी रिपोर्ट उठा के भेज दी। फिर मैंने फरवरी में फ़ोन किया, मैं कहा कुछ तो भेजो, उन्होंने कहा जी अब उनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रही। वो नियत इलाज वास्ते हो गए तो फिर तो बंदा इलाज करवा ही लेंदा, वो नियत ही नहीं सी इलाज की, नियत तो दौड़न दी सी। अब मैं तो किसी की नियत को नहीं समझ सकती ना, जो अल्लाह जानता है और अल्लाह ही उसकी नियत को जानता है। हमने तो बिल्कुल एक अच्छे सोच के साथ ही सारा कुछ किया, लेकिन वो बेचारे जो हैं ना, उनसे देखे ना, एवनफील्ड अपार्टमेंट में रहने वाले
कैसे रहेंगे हमारी जेल के अंदर, जेल जरा मुश्किल जगह होती है जी। बीबी अपने जलसों में कहती है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, इमरान खान के ऊपर जो केसेस है आज आपने भी कह दिया कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, खान साहब उन केसेस में से किस तरह निकलेंगे जो उनके खिलाफ चल रहे हैं मुख्तलिफ नौजत के। दूसरा, अमरीका के खिलाफ आप लोगों का बयानिया था कि हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट है, और जो साजिश हुई थी उसमें अमरीका इन्वॉल्व है, अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि अमरीकी कांग्रेस के लोग या अमरीकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में बयान देना शुरू कर दिए हैं, वो ये कह रहे हैं अपोजिशन जो हुकूमत वाले के इन्होंने पैसे दे के लॉबिंग करवाई है, इसमें कितनी अजीब। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि अमरीका के कांग्रेस वाले हमारे हक में बयान दे रहे हैं ना, हम तो उनके हक में बयान नहीं दे रहे ना, तो बजाय ये कहने को उनको ये बात तो समझ आ गई कि हम गुलाम नहीं हैं, पहले तो ये समझ लें कि वो जो उन्होंने हमसे सवाल किया है हम गुलाम नहीं हैं, इसलिए अमेरिका के कांग्रेस वाले हमसे बात करना चाहते हैं। उन्हें भी समझ आ गई है कि ये जो तहरीक इंसाफ है इसी के पीछे सारी कौम खड़ी हुई है, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है कि कोई नाबीना भी हो तो शायद उसको भी पता चल गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे। दूसरा डॉक्टर साहब, जो ये जो जुल्म ज्यादती जिस तरह से इमरान खान के घर को क्रेनों के जरिए से तोड़ा गया, तो वो सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर आवाज़ बुलंद हुई और पूरी दुनिया से इस पर एहतजाज हो रहा है, इसको कंडम किया जा रहा है कि ये कौन सी जमहूरियत है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हो, सबसे मकबूल तरीन लीडर हो तमाम सर्वेस के मुताबिक, कि उसके ऊपर इस तरह से वैश्य तो बर्बरीत और इस तरह सैकड़ों की तादाद में आप FIRें दर्ज करें तो पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, सिर्फ अमेरिकन कंडेम नहीं कर रहा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त मरियम नवाज ने एक चीज़ वादे कर दी है कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे या इमरान खान अंदर नहीं जाएंगे उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगी, क्या इमरान खान अंदर जाएंगे तो इलेक्शन होंगे या नवाज शरीफ के आने का इम्कान है? देखिए, नवाज शरीफ को तो वापस आ जाना चाहिए, तबीयत ठीक हो गई है, आगे अपनी जेल का सेंटेंस पूरा करें, ज़रूर आना चाहिए, नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और अपनी सज़ा पूरी करें, भुगतें जो जो आपने काम किए हुए उनकी सज़ा भुगतें। और सबसे बड़ी ये बात है, हमारे वक्त में नहीं ये सज़ा हुई थी, इनके अपने वक्त में सज़ा हुई थी। और अब आ गया मसला जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, आप मुझे ये बताइए, इस वक्त दुनिया का छठी बड़ी पार्टी जो है ना, दुनिया की छठी बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है वो इमरान खान है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमां में रखे, वो इसके कहने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये बोलती रहे, ये बीवी ने आखिर कुछ बेचारी ने बोलना तो है ना, सवेरे सवेरे आके जो खड़े होके वो हाथ हिला हिला के बातें करती है, उसने यही बातें करनी है ना, और क्या करना है उसने। जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान का, मेरा ख्याल है जितने केसेस बनाए गए हैं उन केसेस को आपके सामने, मतलब जिल्ले शाह का कत्ल कर डाल, आपने कहा कि जी कत्ल कर दिया, उसका 302 का केस कर दिया आपने, फिर कह रहे हैं जी एक्सीडेंट से मर गया, कुछ तो डिसाइड कर लो कि करना की है तुसी। मतलब आप लोगों ने इस वक्त जो कानून के धज्जियाँ उधेड़ी हैं और इस वक्त जो हालात किए हुए हैं, आपका ख्याल है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनमें से कोई केस खड़ा रहेगा? ये नन ऑफ दिस केसेस आर गोइंग टू स्टैंड। आखिरी सवाल, उनका कहना है कि सऊदी फरमाओं ने उन्हें उसी दावत पे बुलाया है, किसने? तो क्या आप समझती हैं उनके अपने सऊदीया ने उन्हें प्रोटोकॉल के उम्रे के लिए बुलाया, ये बताएं कि जो आपके जो पहले लोगों ने नारे लगाए थे वहां पे उन सारे बेल आउट हो चुके हैं कि अभी कुछ चंदन है? मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मियां साहब जवाब देंगे इस सवाल का। मियां साहब एक कहानी है। अच्छा, क्या जवाब जी? मियां साहब, आजकल जहांगीर तरीन साहब काफी एक्टिव हो रहे हैं और जरूरी पंजाब से पहले भी जब 22 आपके एमएलए छोड़ गए थे तो बाई इलेक्शन में वो पीडीए जीत गया था, तो दोबारा से वो एक्टिव हो गए हैं और साउथ पंजाब में पीडीए के कुछ लोग दोबारा बैठे हैं। आपके जो एमपीएस हैं जो जीते हुए थे, आप सबके एमपीएस हैं, मेरा ख्याल है जी कि जहांगीर तीन, क्या जहांगीर तीन का कोई बड़ा भी अगर आ जाए, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कोई पॉलिटिकल आदमी जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो कि वो पीटीआई को या इमरान खान को छोड़कर
किसी और के सहारे, किसी गैबी ताकत के कहने पे, या खुद भाग दौड़ करके कोई इस तरह का किसी ट्रैप में आ जाए। और जिन लोगों ने माजी में ये सारा कुछ किया, जंगीर तरीन साहब ने, बाकी लोगों के कहने पे, उन्हें वो निशाने इबरत बन गए हैं तारीख के अंदर, उनकी नस्लें याद रखेंगी और पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि अब माजी के अंदर जो होता रहा या पिछली दफ़ा जो हो गया, आइंदा वो तारीख रिपीट नहीं होगी। चलिए आखिरी सवाल आपका। देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग और अदलिया खुद अपना दफा करेगी। वजह हमेशा याद रखिए कि जो वो कहते हैं ना, जिसको ये हजूम कहते हैं उसको हम आवाम कहते हैं। ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन या आइन है, ये आवाम की आइन है। आवाम इसकी खुद हिफाजत करना जानती है और इनको ये पता नहीं है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे तो इनके कितने गलत नतायज निकलेंगे। और इस वक्त जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम इस किस्म की ज़्यादती हरगिज़ हरगिज़ नहीं। आखिर में मैं बताना चाहती हूँ, बर्दाश्त नहीं करेगी, आखिर में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं ख़ास तौर पर बड़ी शुक्रगुजार हूँ सीमा अनवर की। ये हमारी वो हैं मास्टर ट्रेनर और ये मुसलसल ट्रेन कर रही हैं। नून लीग वाले तुम अपना को बोले कि जहाँ ट्रेन करवाना तो भेज देना सी उन्होंने सब जा, क्योंकि हमने वो तरीका सीख लिया है। जी नहीं नहीं धांधली का नहीं, धांधली हमने हमारे, आपको पता है कि पोलिंग एजेंट्स की क्या मेन ट्रेनिंग होती है कि आपने धांधली किस तरह रोकनी है। तो आप आ जाएं, ज्वाइन कर लें ताकि हमें कुछ खबर मिल जाए कि आपने धांधली किस तरह करनी है। थैंक यू वेरी मच। चले।